यूजुअली देखो मैं यूनिवर्स वाइब टाइप की चीजों में बिलीव नहीं करता, पर मुझे लगा कि यहाँ कोई तो हायर पावर है जिसने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया है। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी अबाउट कैजुअल सेक्स। तब मैंने कहा था कि लोग सेक्स के बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई कि लोगों को सेक्स के बारे में सुनने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों की सेक्स लाइफ, नेबर्स की सेक्स लाइफ, सेलिब्रिटीज़ की सेक्स लाइफ के बारे में सब लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अपने पार्टनर की पास्ट सेक्स लाइफ को लेके सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है सबको। इनफैक्ट कभी कभी तो अवॉइड ही कर जाते हैं बात करना भी, जैसे आपसे पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। मीनवाइल उस स्टोरी की टाइमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ लोगों को लग रहा था कि मेरी लाइफ में किलो के भाव कैजुअल सेक्स चल रहा है, वहाँ मैं धीरे धीरे एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ चुका था। आई नो प्यार में सब लोग ऐसा बोलते हैं, बट जितनी भी लड़कियों से मैं मिला था, कृतिका उन सबसे अलग थी। जितना आसान था उसके साथ बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उतना ही आसान था उसके साथ चुप रहना। तो प्यार तो होना ही था। हमें अपने प्यार में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप उठा लिया, नहीं शादी नहीं की, मूव इन हो गए, साथ में रहने लगे। लाइक एनी हेल्दी रिलेशनशिप हमारे बीच में हल्की फुल्की लड़ाइयाँ भी थी। मैं कभी कभी उसकी कोई कही हुई बात भूल जाता था, या वो मेरी किसी बात का गलत मतलब समझ लेती थी। और आजकल तो सोशल मीडिया नाम का राक्षस भी है, तो वैसी बातें भी हो गई कि वो तुम्हारी हर इंस्टाग्राम स्टोरी पे हार्ट क्यों भेजता है और वो कुछ ज़्यादा कॉमेंट नहीं करती है तुम्हारी पोस्ट पे। इवेंचुअली हम दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते थे और उसको साथ में मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते थे शांति से। हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे ही मैच्योरिटी और कूलनेस से रहेंगे। अब ये भी पता ही था कि वर्जिन तो है नहीं हम लोग, तो अच्छे दोस्तों की तरह हमने अपना अपना सेक्सुअल बैलेंस शीट एक दूसरे के सामने खोल के रख दिया था। वो सारे छोटे बड़े रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स, कैजुअल सेक्स, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो जो हो सकता था पर होते होते रह गया। अंदर ही अंदर मुझे इस बात पर थोड़ा गर्व होता था कि बाकी लोगों की रिलेशनशिप में जो ये नीचे दर्जे का मिसकम्युनिकेशन है उसका सामना हमें नहीं करना पड़ता। उसका एक लॉन्ग टर्म एक्स बॉयफ्रेंड था अंकित, 8 साल का रिलेशनशिप, आसान नहीं होता। आई एम श्योर वो उसके बारे में कभी कभी सोचती थी, आई मीन नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉस्टैल्जिया बट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एक दो बार गलती से उसने मुझे अमोल की जगह अंकित बुलाया, थैंकफुली सेक्स के बीच में नहीं। इनफैक्ट ऐसा तभी हुआ जब वो किसी बात पे नाराज थी। कृतिका काफ़ी अपोलोजेटिक हो जाती और मैं उसको छेड़ने के लिए बोल देता, इट्स ओके हिमानी। पर ये कहानी अंकित के बारे में नहीं है, ये कहानी नितेश के बारे में है। अब आप पूछेंगे नितेश कौन है भाई? तो जब कृतिका ने मुझे बोला कि नितेश कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बॉम्बे आ रहा है जॉब ढूंढने के लिए और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या वो हमारे साथ रह सकता है, तो मैंने भी यही पूछा कि नितेश कौन है भाई। फिर याद आया वो कृतिका का एक्स था, ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं थी, कुछ 5-6 महीने चला था कॉलेज में। वो उसका सीनियर था जो उसे बहुत कूल लगता था, एंड शी टोल्ड हिम एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। अब कूल होने के साथ साथ नितेश थोड़ा दयालु भी था, तो जब 2-3 और जूनियर्स ने उसे बताया कि वो उन्हें भी कूल लगता है तो उन्हें भी डेट करने लगा। कृतिका फाउंड आउट एंड दे ब्रोक अप। मैंने एक पुरानी फोटो देखी थी उनके साथ में फेसबुक पे, एक कूल तो था वो, टॉल, वेल बिल्ट, मुंह में सिगरेट, हाथ में गिटार, मतलब मैं भी 18-19 साल की लड़की होता तो चाहता कि 2-3 महीने की दया मुझ पे भी कर दे। एक दिन मैं घर वापस आया तो नितेश ऑलरेडी घर में था, उसका इंटरव्यू प्रीपोन हो गया था जिसकी खबर मुझ तक नहीं पहुंची थी, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। पर मुझे लगा कि वो मेरे सरप्राइज को डिसप्लेजर ना समझ ले, तो मैंने खुश दिखने की पूरी कोशिश की, जो बाद में मुझे लगा कि थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई। उसने अपेरेंटली कृतिका से पूछा था इफ़ आई एम ओके विद हिम स्टेइंग विद अस, और कृतिका ने उसे बोला था या अमोल इज़ वेरी कूल। अब ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ था और मैं कृतिका के स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहता था। 2 दिन में उसका इंटरव्यू था तो मुझे लगा कि वो कुछ तैयारी व्यारी करेगा, पर भाई ने पहले ही बम्बल डाउनलोड करके डेट्स लाइनअप की हुई थी। कृतिका ने मेरे कान में विस्पर किया, आई होप ही डजंट गेट एनी रैंडम गर्ल्स होम। अब ये एग्जैक्ट थॉट मुझे भी आया था, बट सिंस आई एम कूल तो मैंने बस श्रक कर दिया, इट्स फाइन, सो वॉट, ही हैज़ द गेस्ट रूम, एज लॉन्ग एज हमें डिस्टर्ब ना करे। वो 2 दिन तो वो किसी को घर नहीं लेकर आया, पर इंटरव्यू वाले दिन लेट पहुंचा तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ,
although उसने घर पे आके डिक्लेयर कर दिया कि वो सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज द मैनेजर क्लियरली फेल्ड कि नितेश उससे ज्यादा स्मार्ट है, तो इनसिक्योरिटी की वजह से उसने हायर नहीं किया। उसने मैनेजर को 2-3 माँ बहन की गाली दी, मैंने भी दी मन ही मन, क्योंकि अब ट्रिप एक्सटेंड हो गई। उसने कुछ जगह और अप्लाई करना शुरू कर दिया, अब पूरा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। मेरा भी कुछ महीनों से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं भी घर पर ही रहता था। चाय कॉफी उससे बनती नहीं थी, तो मैं अपने लिए चाय बनाता तो उसके लिए भी ब्लैक कॉफी। एक दिन मैं चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, उसने अपनी कॉफी के साथ सिगरेट पीते हुए मुझे कहा, आई होप यू डोंट माइंड, पर एक बात बोलूं। अब मुझे पता है कि जो बातें आई होप यू डोंट माइंड से शुरू होती है ना, उनमें माइंड करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। उसने कहा, चाय मत पिया कर यार, स्पेशली नॉट विद मिल्क एंड शुगर, इट्स नॉट हेल्दी। ये बोल के उसने अपनी सिगरेट के धुएं से 2-3 छल्ले बनाए। शर्ट पहनना भाई साहब को पसंद नहीं था, तो पूरा दिन घर में ऐसे घूमते जैसे गोवा के बीच पर हो। नहीं, अब इतने सालों तक जिम जाने का फायदा ही क्या, अब बैक पर टैटू बनवाने का फायदा ही क्या अगर कपड़े पहनने पड़े। एक दिन मैंने हमारी 201 वाली नेबर को अपनी बैल्कनी से उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा, मुझे कुछ फील हुआ, शायद जेलेसी, पर समझ नहीं आया कि क्यों। मतलब वो नेबर क्यूट थी, ठीक है, पर मैं भी तो हैप्पी सैटिस्फाइड रिलेशनशिप में था। 2 दिन बाद मैंने उनको नीचे लॉबी में बात करते हुए भी देखा, पर तब तक मैंने अपने आप को समझा लिया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम कूल। शाम को कृतिका वापस आती तो मैं उसको नितेश की अजीब हरकतों के बारे में बताता, और वो बस मुस्कुराती या हंस के टाल देती। ऑनेस्टली मेरे अंदर इस बात से हल्की हल्की नाराजगी पैदा हो रही थी कि जिन चीज़ों को लेके वो मुझसे इरिटेट होती है वो उसके केस में हार्मलेस है। मतलब मैं बाथरूम की लाइट ऑन नहीं छोड़ सकता, बट सिंस ही इज जस्ट अ ब्रैट इट्स ओके। मेरी स्मोकिंग तो कृतिका ने पुश कर करके छुड़वा दी थी, वो घर में दिन में 20 सिगरेटें पी रहा है, और अगर 201 वाली नेबर के साथ मैं फ्लर्ट करूं तो क्या कृतिका ऐसे ही मुस्कुराएगी? एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने वो किया जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैंने जाके एक टैटू करवा लिया छोटा सा काफ पे। मैंने घर आके कृतिका को बताया तो अपसेट हो गई कि ऐसी चीज मैंने उससे डिस्कस क्यों नहीं की। तो मैंने भी बोल दिया, यार मैं हूँ थोड़ा इंपल्सिव और हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं लेता रहूँगा। 1-2 दिन में कृतिका का गुस्सा शांत हो गया, मेरा नहीं हुआ। नितेश का फाइनली एक एजेंसी में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, 10 दिन में उसका इंटरव्यू था। उसने अनाउंस कर दिया कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मुंबई में, अगर इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो वापस दिल्ली चला जाएगा। अब ये सुन के मुझे मनी मन थोड़ी शांति मिली कि एटलीस्ट उसका यहाँ हमेशा रहने का प्लान तो नहीं है। दिसंबर में कृतिका का बर्थडे आता है, यूजुअली हम लोग 2-3 दिन की छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाते हैं, इस बार काम थोड़ा ज़्यादा था तो हमने सोचा कि वीकेंड पे दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी कर लेंगे। पार्टी के बारे में सुन के नितेश बहुत एक्साइटेड हो गया। पार्टी वाले दिन मुझे डर था कि वो हमारे फ्रेंड्स के सामने खुद को एम्बेरेस ना करे, पर ऐसा लग रहा था कि पार्टी उसी की है। उसके घटिया जोक्स पे मेरे दोस्त ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, मुझे लगा 1-2 का सुसु ही ना निकल जाए। उसने वही अपनी घिसी पिटी कहानी बतानी शुरू कर दी, जब वियतनाम के जंगलों में 2 दिन के लिए खो गया था विदाउट फूड एंड वाटर। उसकी स्टोरी खत्म हुई तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी गोवा की डेंजरस स्टोरी सुना देता हूँ, जब 2 बियर पी के पानी में थोड़ा आगे तक चला गया था। पर इनफ साइलेंस ही नहीं हुआ, मैं स्टोरी शुरू ही नहीं कर पाया, मैं किचन में चला गया अपनी स्टोरी प्रैक्टिस करने। तभी बाहर से आवाज आने लगी, नीतेश नीतेश। मैंने लिविंग रूम में झांका तो मेरे दोस्त उसको गाना सुनाने के लिए चीयर कर रहे थे, और वो ऐसे शर्मा रहा था जैसे रोज बालकनी में नंगा बैठ के गिटार मैं बजाता हूँ। अब पार्टी बालकनी में शिफ्ट हो रही थी तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि यार बाहर शोर वोर होगा, नेबर्स डिस्टर्ब होंगे। तो मेरे एक दोस्त ने बोल दिया, कम ऑन ब्रो, डोंट बी सो बोरिंग। इस बात पे 2-3 लोग हंस दिए, उनमें से एक नितेश भी था। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट मुझे ऐसा लगा कि कृतिका ने भी हल्का सा स्माइल किया। उस मोमेंट में पता नहीं कुछ अजीब सी एसिडिटी हुई और सीने में हल्का सा दर्द हुआ। अब बालकनी में महफिल जम चुकी थी, मैंने कृतिका को देखा, वो साइड में अपनी ड्रिंक लेके बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ स्माइल किया, प्यार से अपने पास बुलाया। मैंने उसे दूर से बोला कि मुझे थोड़ी एसिडिटी हो रही है, और मैं अंदर बेडरूम में जाके बिस्तर पे लेट गया। मैं सुबह झटके से उठा तो कृतिका मेरे बगल में सोई हुई थी, मेरे जूते उतरे हुए थे, मतलब सोने से पहले उसने उतारे होंगे। मैंने इमेजिन किया कि शायद नितेश ने उसकी हेल्प की होगी, शायद वो लोग हंसे भी होंगे, कैसा चूतिया है जूते पहन के सो गया।
मैं उठा, मैंने अपने लिए चाय बनाई, अपना पुराना छुपाया हुआ सिगरेट का डब्बा निकाला और बैल्कनी में जाके एक सिगरेट जला लिया। आई नो कुछ गलत नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी छाती पे 50 किलो का डंबल रख दिया हो। मैंने कृतिका के लिए वॉइस नोट छोड़ दिया कि मुझे कुछ काम है, और मैं अपने दोस्त हरमन के घर चला गया जो हमारे फ्रेंड ग्रुप का फ्री थेरेपिस्ट है। उसने मेरी शक्ल देख के पूछा कि क्या हुआ है, पर मैं उसे क्या बताता। इतनी पेटी फीलिंग्स पे मुझे खुद ही इतनी शर्म और गुस्सा आ रहा था, मैं किसी और को क्या बताता। ऐसे ही 2-3 दिन मैं काम का बहाना बनाकर हरमन के घर जाता रहा। एक दिन हरमन के साथ चाय और सिगरेट पर हो रहे फिलोसॉफिकल डिस्कशन के बीच मैंने कहा, यार मुझे लगता है इंसान लोग ना कन्वीनियंस को प्यार का नाम देते हैं, ये इटर्नल लव स्टोरी नाम की चीज़ कोई होती नहीं है। तो उसने कहा, आ तुझे टाइटैनिक दिखाता हूँ। बीच फिल्म में मैं उठ गया। मैंने कहा मुझे नहीं देखनी है हिपोक्रिटिकल फिल्म। हरमन कन्फ्यूज हो गया। मैंने कहा ये क्या लव स्टोरी है? जिस आदमी ने आपसे शादी की, अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, उसके साथ आपने बच्चे पैदा किए, उन्हें पाला, बच्चों के बच्चों को पाला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। लव स्टोरी बस उस लॉन्डे की है जिसके साथ सेक्स किया था आपने 70 साल पहले। हरमन की थेरेपी को भी मैंने फेल कर दिया। एक दिन मैं उसके घर से ये काम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था जब मुझे रोहन का मैसेज आया। रोहन मेरा कॉलेज का फ्रेंड है जिससे 6 महीने में कभी कभी काम को लेकर बात होती है। पता चला कि आजकल वो एक एजेंसी में एशिया पैसिफिक हेड है और एक हायरिंग का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बात करना चाहता है। एंड द कैंडिडेट्स नेम वॉज नितेश लखानी। उसने देखा था कि हम दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो वो जानना चाहता था कि मैं उसे कैसे जानता हूँ और उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अब यूजुअली देखो मैं यूनिवर्स वाइब टाइप की चीज़ों में बिलीव नहीं करता, पर मुझे लगा कि यहाँ कोई तो हायर पावर है जिसने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया है। मैं रेडी था बात करने के लिए, पर शाम को 8 बजे का टाइम फिक्स हुआ, जो एक्चुअली में सही चीज़ थी क्योंकि मुझे जो भी कहना था वो सोच समझ के कहना था ताकि पर्सनल वेंडेटा ना लगे। बहुत दिनों बाद मैं इतना एक्साइटेड था। मैं शाम को घर गया, एक्साइटमेंट में मैंने कृतिका को जोर से पकड़ लिया, वो भी सरप्राइज हुई, खुश हो गई, हंसने लग गई। हंसते हंसते उसकी ब्रीदिंग में हल्का सा चेंज आया। सडनली शी वाज क्राइंग। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि कुछ दिनों से तुम इतने कटे कटे से थे, तुम्हें पता है कितने टाइम बाद तुमने मुझे ऐसे हक किया है। मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा, यार अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं। शी सेड, मुझे लगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो तुम बता ही दोगे, एंड एनी वे आई वॉन्टेड टू डू द राइट थिंग, आई वॉन्टेड टू गिव यू स्पेस। मुझे थोड़ा रोना आ गया क्योंकि उसकी फीलिंग्स अनरीजनेबल नहीं थी, मेरी थी। नितेश ने जानबूझ के मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था, एंड स्टिल शी वॉज डूइंग वॉट शी बिलीव्ड वॉज द राइट थिंग टू डू। 8 बजे रोहन का फोन आया, उन्हें अर्जेंटली एक क्लाइंट फेसिंग बंदा चाहिए था, तो मैंने बस सच बोल दिया कि नितेश इज क्वाइट चार्मिंग एंड इज गुड विद पीपल। फोन रख के मुझे लगा दैट आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, बट एक्चुअली में उसका उल्टा हुआ। वो 50 किलो का डंबल फाइनली मेरी छाती से उड़ गया। दो दिन बाद रिजल्ट आया, नितेश बहुत खुश था और हवा में ऐसे मुक्के मार रहा था जैसे हवा को ही तोड़ देगा। फाइनली किसी को मेरी वैल्यू समझ में आई, जोर जोर से चिल्ला रहा था। कृतिका भी बहुत खुश थी उसके लिए, एक्चुअली मैं भी खुशी था। अपनी सेलिब्रेशन खत्म करने के बाद वो हमारी तरफ मुड़ा और उसने कहा, आई होप यू डोंट माइंड, पर मैं एक और हफ्ता यहाँ रह सकता हूँ क्या? तब तक अपने लिए फ्लैट ढूंढ लूंगा। कृतिका ने मेरी तरफ देखा, मैंने बोल दिया, या आई एम कूल।